अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, यूसुफ अंदरखा की बद से बदतर हालत बनती जा रही है। यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं, कोई सहूलतें नहीं। बड़ी अफसोस की बात है, जिस दरगाह से लाखों रुपए कमाते हैं वही दरगाह की हिफाजत करने में नाकाम वक्फ बोर्ड और यहाँ के इंतजामियों की जानिब से और यहाँ के जिम्मेदारों की जानिब से भी लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। जरूरी है कि यहाँ पर अवाम को सहूलतें दें। जो भी दरगाह को आते हैं या मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उनको सहूलतें देने की जरूरत है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए किस तरह से बाथरूमों की हालत है और किस तरह से पानी जमा हो रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, यहीं के एक जिम्मेदार ने वीडियो लेकर हम तक पहुंचाया ताकि हम इसको मंजर आम पे लाएं और वो गफलत की नींद सोने वाले, वो बड़े बड़े वादे और दावे करने वाले जरा नींद से जागे और फोटो खिंचाने से पहले काम को अंजाम दें। अब तमाशा ये हो गया है कि काम से पहले फोटो खिंचवाते हैं लेकिन काम वैसे ही का वैसे ही रहता है। जरूरी है कि पहले काम को अंजाम दें ताकि यहाँ के मुसल्लियों को और यहाँ पर आने वाले लोगों को सहूलत मिल सके। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। इनॉग्रेशन के नीचे 19,80,000 भी ले ला था।